हेलो एवरीवन, मैं हूँ मंतिशा अनवर और मेरा आज का टॉपिक है सेल्फ डिफेंस। तो आजकल क्या होता है, किसी के घर में बेटी पैदा हुई, माँ बाप बहुत टेंशन में हो जाते हैं, हाय बेटी पैदा हो गई, अब इसकी शादी करनी पड़ेगी, इसके लिए दहेज इकट्ठा करना पड़ेगा, और ये जैसे जैसे बड़ी होगी टेंशन बढ़ती जाती हैं। तो उन माँ बापों के लिए कि अगर आप अपनी बेटी की इतनी नहीं टेंशन लेते हैं शादी वगैरह की, उसके लिए इतना सारा दहेज इकट्ठा करते हैं, तो उसका वो दहेज का पैसा उसकी पढ़ाई में लगाइए, जिससे वो खुद सेल्फ डिफेंस हो, किसी की चीज़ की उसे ज़रूरत ना पड़े और वो किसी पे बोझ नहीं बने, और वो जिस चीज़ के योग्य है वो उसे उस चीज़ को वो पाले, और अगर उसके नसीब में हुआ अच्छा इंसान मिलना तो उसे मिल जाएगा, और अगर नहीं भी मिला तो वो अपनी लाइफस्टाइल अपनी तरीके से जी पाएगी। और क्या होता है, लड़कियां बाहर निकलती हैं, कॉलेज जाती हैं, कुछ तीन चार लड़के बाइक पे आते हैं, उन्हें छेड़ के उन पर कमेंट करके निकल जाती हैं। अब लड़कियां सोचती हैं किसी ने देखा तो नहीं देखा, नीचे मुंह करके चलती बनी, घर वालों को भी नहीं बताती कि हाय, घर वाले को बता दिया तो वो मेरा जाना आना बंद कर देंगे, कॉलेज वगैरह ट्यूशन वगैरह सब बंद कर देंगे। तो ऐसा नहीं है, अगर आपके साथ कोई भी घटना होती है तो आप सबसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन अपने पेरेंट्स को दीजिए, और जिस किसी ने भी आपको परेशान किया अगर वो लोग बाइक पर है तो उनका पहले नंबर देखिए, और अगर वो लोग आपसे डायरेक्टली बात करते हैं ना तो सबसे पहले उन्हें करारा जवाब देना पड़ता है। क्या बोलो आप लोग, भैया क्या बात है, कुछ कहना चाहते हो, आओ उधर, हाँ बताइए क्या कहना चाहते हैं, अच्छा कुछ नहीं कहना, चलिए ठीक है, रहा यहाँ नहीं बोलना चाहते हैं तो आप मेरे घर आइए, चाय वाय पीजिए, और जो भी बात है वहाँ बैठ के करेंगे आराम से। आजकल क्या है, हम किसी पे बोझ नहीं बन सकते, हमें खुद में डिपेंड होना है, खुद अपने आप में कुछ करना है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम खुद कर सकते हैं, खुदा ने हमें दो हाथ दिए हैं, दो पैर दिए हैं, और इतना अच्छा माइंड दिया सोचने के लिए, तो किसी के अकॉर्डिंग आपको चलने की ज़रूरत नहीं है, किसी के अकॉर्डिंग आपको जीने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद में बेहतर हो, खुद में बेस्ट हो। तो मत सोचो कि ये क्या कहता है वो क्या कहता है, बाहर मत निकलो, ये मत करो वो मत करो, खुद में एक कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए, और खुद में एक डिफेंसी की एक चाहत होनी चाहिए कि आपको आज़ाद पंछी की तरह उड़ना है, ना कि घर में कैद रहने वाले जानवरों की तरह आपको जीना है। और हाँ, कुछ लड़कियाँ सोचती हैं नहीं मैं नहीं जाऊँगी वहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, मुझे परेशान करते हैं और मेरे पर कमेंट करते हैं, तो ऐसा मत सोचो, एक करारा जवाब दोगी ना वो मुंह बंद करके बैठ जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे आपका। और कहते हैं ना, डर से जितना डरोगे ना डर तुम्हें उतना ही डराएगा, इसलिए डर से डरना नहीं है, डर को मारकर उससे जीतना है। और हाँ एक बात और, मैं पेरेंट्स से कहना चाहूँगी कि अगर आप अपनी बेटी को पढ़ाते लिखाते हो, उसे घर से बाहर भेजते हो, तो उसका थोड़ा सा एक सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग उसे ज़रूर दीजिएगा, जैसे कि मार्शल आर्ट हैं और भी कॉलेजेस में काफ़ी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देनी चाहिए, और जहाँ ऐसी ट्रेनिंग सेल्फ डिफेंस की नहीं दी जाती है, मैं उन लोगों से ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि गर्ल्स के लिए सेल्फ डिफेंस होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, भले कॉलेज में स्पोर्ट्स या फिर और चीज़ें कम कर देनी चाहिए, लेकिन सेल्फ डिफेंस का और मार्शल आर्ट का एक पीरियड ज़रूर होना चाहिए। तो बस, थैंक यू एंड सो मच।